नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अधिकतर बच्चे मार्कशीट को लेकर बहुत गुमराह हो रहे हैं। मेरे भाई, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, मार्कशीट दिखाओ, उससे सॉल्यूशन मिलेगा। मार्कशीट में ये मार्कशीट वाला अग्निवीर नहीं बन पाएगा, ये फलाना ढिमकाना ये नहीं हो पाएगा, गुमराह हो मत करो मेरे भाई। बहुत उम्मीद लेके आता है बच्चा, सही इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं है ना तो इन्फॉर्मेशन मत दो। इन बच्चों ने बहुत उम्मीद रखी है, आर्मी में जाना है इनको, तो ये उम्मीद रख रहे हैं, तो इनको सही जानकारी दो, सही इन्फॉर्मेशन दो। जैसे कि इस बच्चे की मार्कशीट है, इस मार्कशीट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना रहेगी। करीबा कैमरामैन इसको बता कि क्या है चीजें। देखो, अगर ये मार्कशीट आप देख पा रहे हो तो 10th क्लास की मार्कशीट है। इस मार्कशीट में ये यहां पर स्टार बना हुआ है, यहां हैशटैग लगा हुआ है। क्या है आखिर इसका मतलब? क्या ऐसी मार्कशीट वाला बच्चा क्या इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा? क्या इसका जीडी में सपना पूरा नहीं हो पाएगा? तो बात ऐसी है मेरे भाई के, इंफॉर्मेशन देने से पहले वीडियो को समझ लो, सोच लो और उसके बाद अपनी मार्कशीट मिला लो। इस मार्कशीट में स्टार का मतलब ये है कि ये जो बच्चा है सचिन नाम का, ये सचिन नाम का बच्चा जब मेन एग्जाम हुई थी इसकी 10वीं की, उसमें ये जो स्टार लगा हुआ है इंग्लिश जर्नल के अंदर, इसमें इसको सप्लीमेंट्री आई थी। जब सप्लीमेंट्री आई थी तो सप्लीमेंट्री का दोबारा से पेपर लेता है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, अगर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से कर रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल, बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, या फिर आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने किसी भी डिवीजन से पढ़ाई करी है, आपने किसी भी स्टेट से पढ़ाई करी है, तो इसमें मेंशन करके रखा है कि ये स्टार का महत्व मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित एग्जाम में। स्टार का मतलब यही है कि बच्चे ने मेन एग्जाम में पूरे नंबर अर्जित नहीं किए थे, इसको कंपार्टमेंट लगा था, ग्रेस लगा हुआ था, मतलब सप्लीमेंट्री आई थी तो सप्लीमेंट्री की इसने फिर से एग्जाम्स दी और एग्जाम में ये अंक लेकर आया 43 लेकर आया। लेकिन आगे उसने एक मार्क लगा दिया, स्टार बना दिया है, स्टार बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कोई रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऐसा इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन बोलता है। आज ही मैंने एक लाइव वीडियो में बताया है कि भाई आप ग्रेस आइए, पास हो जाइए, सप्लीमेंट्री आइए, सप्लीमेंट्री में पास हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसे स्टार लगी हुई मार्कशीट वाले मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया फॉर्म भरिए, आपके डॉक्यूमेंट में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है स्टार से रिलेटेड, हैशटैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि हैशटैग और लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर हैशटैग के बारे में बताए नहीं, हैशटैग ये डिस्क्राइब कर रहा है कि 500 नंबर ओवरऑल, 6 पेपर थे, 6 में से 5 पेपर बेस्ट 5 के नंबर काउंट किए गए हैं, बेस्ट 5 की पद्धति के अकॉर्डिंग इसका डिविजन बना है, इसका परसेंटेज निकाला गया है, हैशटैग उसलिए मार्क कर दिया गया है, जिस विषय में सबसे कम नंबर होंगे उसमें हटा दिया जाएगा, बेस्ट 5 में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसका वही महत्व है, स्टार का महत्व मैंने आपको बता ही दिया। कैसी लगी इंफॉर्मेशन? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूं मैं अभी, आपकी सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं, ताकि आप गुमराह नहीं हो और आप अपने सपने को अचीव कर पाए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।